दोस्तों नमस्कार। दोस्तों प्लास्टिक के डब्बा से बनाया है पेन स्टैंड। पेन के अलावा भी और बहुत कुछ रखा जा सकता है। वीडियो को पूरा देखकर आप भी एक कोशिश कीजिए। पेन स्टैंड को बहुत आसानी से बनाया गया है, तो क्या सोच रहे हैं, देखिए पूरा वीडियो को। यह है एक प्लास्टिक का खाली डब्बा, थोड़ी सी वलपुट्टी आटा की तरह पानी देकर गूंदना है और गूंदे हुए वलपुट्टी को एक पॉलीथीन में भर के रखना है ताकि गूंदे हुए वलपुट्टी सूख ना जाए। टेलकम पाउडर छिड़क कर गूंदे हुए वलपुट्टी को रोटी की तरह बेलना है और फेविकॉल लगाकर कुछ इस तरह से चिपकाना है। जो एक्स्ट्रा है उसे चाकू से काट कर अलग कर देना है। कुछ इस प्रकार पूरे डब्बे के ऊपर वलपुट्टी का एक लेयर लगाना है। गूंदे हुए वलपुट्टी से जब पूरा डब्बा कवर हो जाए तब एक दिन के लिए सूखने देना है। इस प्रकार थोड़े थोड़े पानी देकर बराबर किया जा सकता है। दोस्तों मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना होता है और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना है और ऑल करना है ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आप भी इस प्रकार पेन स्टैंड बना पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं पेन स्टैंड बनाते हुए पूरा वीडियो को। दोस्तों एक दिन ड्राई होने के बाद सैंड पेपर से कुछ इस प्रकार घिसा जा रहा है। अच्छी तरह घिसने के बाद वलपुट्टी के छोटे छोटे गोले बनाकर या गेहूं की तरह दिखने वाली आकार बनाकर फेविकॉल लगाकर चिपकाना है। तो देखते हैं अब आगे। दोस्तों अब 4 से 5 दिन ड्राई होने के बाद कलर करना है। कलर हम अपने पसंद से करेंगे। जब इस क्राफ्ट को आप बनाएंगे तब आप अपने पसंद से ही कलर कीजिएगा। ये एक हैंडी क्राफ्ट है जो पेन स्टैंड के रूप में बन रहा है। दोस्तों वीडियो को देखते हुए एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं प्लास्टिक के डब्बे से पेन स्टैंड बनाते हुए। दोस्तों वीडियो को देखकर आप एक कोशिश जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस क्राफ्ट को बनाने के लिए हमने एक्रिलिक कलर यूज किया है। अब देखते हैं आगे। बहुत ही सुंदर पेन स्टैंड बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों आपने देखा प्लास्टिक के डब्बे से पेन स्टैंड बनाते हुए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।